हरियाणा परिवार के किसान भाइयों, जैसा आपको जानकारी होगी ही कि हर शनिवार को मैं अपने परिवार के किसी न किसी एक वर्ग से बात करता हूं। आज मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं अपने किसान भाइयों से बात कर रहा हूं। मित्रों, अभी जब पीछे बाढ़ आई थी तो उस समय स्वाभाविक रूप से मन में चिंता हुई कि इस बाढ़ के कारण से नुकसान भी ज़रूर हुआ है किसानों का, अथवा अन्य जहां गांव में शहर में पानी चला जाता है ऐसे बहुत से बंधुओं का नुकसान होना स्वाभाविक था। उस समय मन विचार आया कि स्वयं जाकर के इस नुकसान का आंकलन लेना चाहिए, तो मैंने स्वयं जाकर के हवाई सर्वे से भी और वैसे भी कुछ गांव में जाकर के देखा कि किसान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए ये भी एक सूचना दी गई सरकार के द्वारा कि हम लोग अपना जो है किसानों का मुआवजा उसका आंकलन करेंगे, लेकिन मैंने तब कहा कि नहीं, किसानों को स्वयं अपने आंकलन का, अपने नुकसान का आंकलन करना चाहिए और हम एक व्यवस्था बनाएं ताकि वो स्वयं बता सकें कि किसका कितना नुकसान हुआ है। आखिर कोई भी किसान जो बताएगा तो निश्चित रूप से उस नुकसान को सच्चाई में ही बताएगा, क्योंकि कोई किसान नुकसान दिखाने का, बताने का शौकीन नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया जाए और हमारे व्यवस्था के हिसाब से हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया और सभी किसान बंधुओं को ये कहा कि आप लोग जो है अपना अपना जो उसके अंदर नुकसान हुआ है उसको आप भर दें, चाहे वो खेती का है अथवा किसी मकान का नुकसान है अथवा कोई पशु का नुकसान हुआ है, कोई व्यवसाय किसी जगह पर पानी भरा तो वो नुकसान भर दें। तो सब लोगों ने उस किसान को भरा है। तो आज मैं ऐसे सब बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनका नुकसान हुआ और उनको हमने मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मेहनत करके और फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई करनी पड़ी, ऐसे सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं। तो इस नाते से जो आपको हमने मुआवजा दिया है उसकी जानकारी आपको हो ही गई होगी कि दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़ लगभग ऐसा क्षेत्र था जिसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको मुआवजा दिया है। ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदा, इस नाते से भी कुल मुआवजा जो इस बाढ़ के कारण से दिया गया वो 112 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर मैं पिछले सब वर्षों की बात करता हूँ तो ऐसा किसानों को जो दिया जाने वाला मुआवजा, मैं हालांकि मुआवजा तभी दिया जाता है जब किसान परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन पर्याप्त मुआवजे की जब हिसाब किताब लगाता हूँ तो मुझे संतोष होता है कि हमने पिछले 9.5 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। अगर मैं कांग्रेस के 10 वर्षों का हिसाब आपको बताऊँ तो मात्र 1100 करोड़ रुपया दिया गया, 10 गुना एक प्रकार से मुआवजा हमने किसान को दिया है। वो इसीलिए देने का मन हुआ कि मुझे मालूम है किसान की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास है लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपने को पता है, प्रधानमंत्री जी भी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किस्त हमको भेजते हैं। हमको 15वीं किस्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। हम किसान भी जो सहयोग करते हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे अपने को पता है, पराली प्रबंधन ये एक बड़ा विषय है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे जो आवाज़ें आती हैं कि किसान पराली जलाता है, उसके कारण से प्रदूषण होता है, और ख़ास करके कोर्ट्स भी कई बार संज्ञान लेती हैं। और संतोष की बात तो ये है कि पिछले दिनों में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन का जो कहा कार्य किया है किसानों की सहायता करके, ये सराहनीय है, बल्कि पंजाब की सरकार को उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो उस नाते से, और हम जो किसानों को जो सहायता करते हैं उसका भी एक लाभ हमको मिला है और किसानों ने भी उसका सहयोग किया है। अगर ICR की रिपोर्ट
जो 22 नवंबर को भी प्रकाशित हुई है उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हरियाणा में कुल मिलाकर के इस बार सीजन में 2,239 जो केसेस हैं वही यानी पराली जलाने के हुए हैं, जबकि अपना पड़ोसी प्रदेश पंजाब वहाँ पर यह आंकड़ा 36,118 मामले हैं। अर्थात बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में पराली जलाई जाती है। हरियाणा के किसानों को हमने इस पराली प्रबंधन के लिए बहुत सा सहयोग भी किया है। हमने इसमें कुल मिलाकर 2,500 रुपये प्रति टन के हिसाब से किसान की पराली की बिक्री इसकी व्यवस्था की है, और यदि 20% से कम मॉइस्चर पाई जाती है तो 500 रुपया इसके लिए अलग से भी और ये दिया जाता है। तो इस प्रकार हम उनको जो इम्प्लीमेंट्स भी देते हैं उस इम्प्लीमेंट्स में अभी 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये हमने बनाए हैं, ताकि हम पराली इकट्ठा करने के लिए उसको इकट्ठा करके बेचने के लिए वहाँ से और जो हायर करके और इम्प्लीमेंट से ले सकते हैं। कोई किसान अपना इम्प्लीमेंट अगर लेना चाहता है उसको भी सब्सिडी दी जाती है। 80,000 फसल अवशेष के ऐसे प्रबंधन के उपकरण ये किसानों ने खुद खरीदे हैं, हम इसमें सब्सिडी भी देते हैं। यदि कस्टम हायरिंग सेंटर कोई बनाता है उनको 50% की जो सब्सिडी मिलती है, और जो स्वयं किसान अपना कोई ऐसा उपकरण खरीदना चाहे तो उसको 80% का और ये अनुदान ये हम देते हैं। तो मित्रों, इस कारण से पंजाब में जो पराली की जो कमी दर्ज की गई वो बहुत कम दर्ज की गई, लेकिन हरियाणा में जो पराली प्रबंधन की कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 36.5% और ये कम की गई है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा ये विषय किसानों ने इसको किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। तो चाहे बाढ़ का मामला हो, हमारे 12 जिलों को बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया था। अगर मैं घग्गर के बाढ़ क्षेत्र की बात करता हूँ तो उसमें पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा ऐसे 6 जिले आते हैं, और यमुना के साथ साथ भी इसी प्रकार से चाहे वो यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, पलवल हो अथवा फरीदाबाद हो, ऐसे ये 6 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हैं। तो 12 के 12 जिलों में कुल मिलाकर 1,469 गाँव और 4 शहर इससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे सब इलाकों का हमने जो मुआवजा है वो किसानों को दे दिया है। अभी जो फसल का जो प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार से होती है, अथवा विशेष तौर पर कपास, इस कपास का जो सुंडी का खराबा हुआ है उसका मुआवजा जाना अभी शेष है। बहुत जल्दी उसको भी हम 31 दिसंबर तक सब आंकलन करके और आपको भेज दिया जाएगा। जहाँ तक फसल के विविधीकरण की बात है, हमने ये भी अपील की थी कि किसान कम से कम पानी की चिंता करें, और जहाँ पानी बहुत गहराई में हो गया है, जहाँ हम अपनी यानी आगे आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, ऐसे किसानों को हमने अपील की कि आप कम से कम धान की बिजाई को छोड़कर उसकी जगह अन्य फसलों की अगर बुआई करेंगे तो हम 7,000 रुपया प्रति एकड़ हर किसान को और इस मुआवजे के नाते से देंगे, ताकि फसल धान की बजाय दूसरी फसल बुआई करे। और ऐसा पिछले 2 वर्षों में लगभग 2.25 लाख एकड़ पर किसानों ने धान को छोड़ा है, बधाई के पात्र हैं। और हमारा ये जो मेरा पानी मेरी विरासत की योजना, दूसरे प्रदेश भी इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए लायक हैं कि हम भी इस योजना को लागू करेंगे, ताकि पानी की चिंता ये सब लोग कर सकें। तो मित्रों, भाई बहनों, चाहे वो बाढ़ की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत की बात हो, अथवा पराली प्रबंधन की बात हो, इन सब विषयों पर आप लोगों ने सहयोग किया है। पराली प्रबंधन तो और भी कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे फसल अवशेष प्रबंधन हेतु पूसा डीकम्पोजर किट ये भी हमने बांटे हैं। 2.5 लाख एकड़ में इस बार पूसा कम्पोजर किट बांटे गए हैं, और हमारा इस बार का लक्ष्य है कि अगले इस वर्ष में 5 लाख एकड़ ये पूसा डीकम्पोजर किट ये बांटे जाएँ, ताकि लोगों को इसका जो है पर्याप्त लाभ मिल सके। जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा सब प्रदेशों में जितना मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना बीमा नहीं कराते हैं, ऐसे किसानों को पिछली सरकार तो मात्र 6,000 और जाते जाते 10,000 करके गए थे, 10,000 का मुआवजा भी किसी को दिया नहीं था, लेकिन हमने आने के बाद उसको पहले 12,000 किया और फिर बाद में 15,000 रुपया एकड़ ये हमने किया है। तो 15,000 रुपया एकड़ अपने आप में एक राशि, हरियाणा सरकार ही सबसे ज़्यादा राशि देती है। तो किसान के नाते से आपकी किस प्रकार से
लाभ आपको पहुंचाया जाए, किसानों के फसलों के दाम कैसे मिले, मंडी की व्यवस्था, मार्केटिंग व्यवस्था कैसे अच्छी की जाए। मुझे खुशी है कि मार्केटिंग की व्यवस्था हरियाणा की बाकी आसपास के प्रदेशों से सबसे अच्छी है। यही कारण है कि होड़ लगी रहती है बाहर के प्रांत के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ से भी किसान, चाहे वो पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जिलों, आसपास के जिलों के लोग हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। और हमने फसल एक दो नहीं, 14 फसलें ऐसी जो हैं वो MSP पर खरीदनी ये शुरू की हैं। अगर किसी फसल को हम MSP पर खुद नहीं खरीद सकते हैं तो उसमें भी हमने व्यवस्था की है कि भावांतर भरपाई योजना, उसमें चाहे सब्जियां हो, फल हो अथवा बाजरा हो, इसकी व्यवस्था भी सफलतापूर्वक लागू की गई है। इन सब योजनाओं को आसपास के प्रदेशों के किसान खूब समझ रहे हैं, खूब उनको ये जानकारियाँ मिल रही हैं। तो मेरा किसान किस प्रकार से खुशहाल बने, कैसे आगे बढ़े, ये बात भी सत्य है कि किसानों की जो जोत है ये बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि अपने यहाँ जमीन तो जितनी है उतनी है, कुछ ज़मीन हमारे विकास के नाते से, शहरीकरण के नाते से, औद्योगिकरण के नाते से उसमें लग रही है, बाकी ज़मीन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और आवश्यकता हमारे परिवारों की बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा जो ज़मीन का जो भाग है यानी जोत है वो हमारी बहुत छोटी होती जा रही है। हम ऐसे सब किसानों के परिवारों में भी कम से कम एक परिवार को अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार कैसे सहयोग कर सकती है, नौकरी में जाने के लिए कैसे सहयोग कर सकती है, प्राइवेट नौकरी उसको कैसे मिले, उसकी स्किलिंग करा करके, उसका जो हुनर विकास करके और कैसे उसको स्वयं रोजगार के नाते आगे हम बढ़ाएँ, तो इन बातों पर भी हम लगे हैं ताकि कोई किसान उसकी आय, कम से कम किसान कहलाता है तो एक एक आदरणीय एक नागरिक के नाते उसका जो स्थान बने। तो हम चाहेंगे कोई किसान BPL के नीचे न रहे, सब किसानों की आय 1,80,000 से ऊपर कैसे हो, इसकी योजनाएं हमारे सभी विभाग मिलकर के बनाते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का भी हम लाभ उठाते हैं। ऐसे आपके भी किसी प्रकार के कोई अच्छे सुझाव होंगे तो निश्चित रूप से हम उनको भी लेंगे। हरियाणा के अंदर 500 से लेकर 800 तक ऐसा माना जाता है कि प्रगतिशील किसान भी हैं। प्रगतिशील किसानों को भी हमने योजना के माध्यम से कैसे उसका विस्तार हो, हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेंड करके उसको प्रगतिशील बनाए, इस योजना पर भी हम लगे हैं, उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि हमने दी है। विदेशों में जाने के लिए ऐसे हमारे किसान बंधु वहाँ जा करके अध्ययन करके आए कि किसानी किस प्रकार से और अच्छी की जा सकती है, इसके लिए भी विदेश भ्रमण की योजना भी हम बना रहे हैं कि कुछ किसान अगर जा करके अध्ययन करके आना चाहते हैं उनकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है, अगर आपके किसान हमारे यहाँ ज़मीन लेकर के और खेती करना चाहें तो वो भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कुछ किसानों को वहाँ जाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, किसानों की मदद जितनी हमारे से हो पड़ती है उतनी हम करेंगे। और इसी के साथ किसानों को बहकाने वाले भी बहुत लोग अपने पास आते हैं, वो बहकाने का जिनका कुल मिलाकर एक एक स्वभाव ऐसा है, एक आदत ऐसी है, या उनका कुछ लक्ष्य और हो सकता है, तो ऐसे बहकाई करने वाले भी कुछ किसान संगठन बना करके, किसान नेता बन करके, और जिस प्रकार से आपके पास आ करके बहकाते हैं उनसे ज़रूर सावधान रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ का किसान खुशहाल हो, क्योंकि किसान कमज़ोर रहेगा तो उनकी राजनीतिक रोटियाँ सिकती रहेंगी। तो मैं इस बहुत ही एक ऐसे एक मन के भाव से आपको बात कह रहा हूँ जो मेरी चिंता है। तो इस चिंता से हम कैसे उभरें और किस प्रकार से किसान का भला करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हमारा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम मिलकर के अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे प्रदेश का देश को आगे बढ़ाने में योगदान भरपूर होगा, उसमें हम सहभागी बनेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।